उज्बेकिस्तान में अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिम देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि यूरोप के छोटे छोटे देशों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो किसके साथ खेल रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बुधवार को होने वाले रोड शो को लेकर भाजपा के महानगर कार्यालय पर बैठक हुई। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि ये रोड शो ऐतिहासिक होगा। करीब 3 किलोमीटर के रोड शो में 41 स्थानों पर स्वागत की तैयारी की गई है। शाम 4 बजे टाउन हॉल से रोड शो की शुरुआत होगी। कंचनजंगा मार्केट के पास पैदल जा रहे बुजुर्गों को टक्कर मारकर उड़ाने वाली ऑडी कार के चालक पलामू झारखंड निवासी लव कुमार उर्फ मामू और उसके दोस्त प्रिंस कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चांबा में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर राज्य की सरकार को धनबल पर गिराने का भी आरोप लगाया। दिल्ली के मधुबन बिहार स्थित एक पार्किंग में भीषण आग लग गई। इस आग ने 9 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। अभी तक आग लगने के कारणों का नहीं पता चल पाया है। अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि अचानक आग लगी कैसे। इससे पहले मंगलवार को भी शाहदरा इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई थी। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं लुधियाना और पटियाला में जनसभा करेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में 4 जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज में रैलियां करेंगे। प्रदेश में मंगलवार को 29,261 मेगावाट बिजली आपूर्ति के साथ नया रिकॉर्ड बन गया, लेकिन कई जिलों में कटौती पर दौर जारी रहा। इसे लेकर कई जगह विवाद की नौबत तक आ गई। शहर इलाकों में रात्रिकालीन स्थानीय फॉल्ट से उपभोक्ता परेशान हैं। बिजली कर्मियों का कहना है कि अधिक लोड होने की वजह से ये समस्या आ रही है। इस साल 1 मई से हरियाणा ने दिल्ली को अपने हिस्से का पानी देना कम कर दिया और यमुना का जलस्तर लगातार गिर रहा है। 1 मई को यमुना का जलस्तर 674.5 फीट था, जो 28 मई को 669.8 फीट पर आ गया है। इस वजह से दिल्ली में जल संकट बढ़ गया है। इसको देखते हुए एहतियात बरतने के कदम उठाए जा रहे हैं। नोएडा में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। पिछले 3 दिनों में 4 लोगों की लू की वजह से जान जा चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इन मौतों के पीछे हीटवेव को नहीं मान रहा है। वहीं मंगलवार को भी पारा ने नया रिकॉर्ड बनाया। इस बीच अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे मंगलवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। आमिर खान के बेटे जुनैद खान महाराज से एक्टिंग में डेब्यू करने जा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है। महाराज 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।